अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल चाल हैं आप सबके? अल्लाह पाक सबको सेहत तंदुरुस्ती दे मेरे समेत। तो आज के व्लॉग की इब्तिदा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं गूंदने लगी हूँ ये वाइट वाला आटा, इसमें मैंने नमक डाल दिया है और ये है पानी। इसको मैं भिगो के रख दूँगी, उसके बाद फिर मैं सालन चढ़ा दूँगी यानी कि हांडी रख दूँगी बनाने के लिए, और फिर मैं ये तिबारा वाले बर्तन धो लूँगी यानी कि दो दफ़ा सुबह मैं धो चुकी हूँ, अब ये तीसरी बार है। बर्तन नहीं ख़त्म होते ज़िंदगी से, तो जितने धो उतने ही दोबारा हो जाते हैं। आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है। जा रहे हो? मैं आप कहाँ गए थे? टीका लगवाने गए थे। कहाँ लगाया टीका? इधर मच्छर ने काटे। अच्छा, तो टीका किधर लगा? इधर ही टीका लगा। आप रोए थे? आप रोए थे? अच्छा, नहीं रोए? अबू रोए थे? अबू तो नहीं रोए। वैसे इतने बड़े देखते में इतना सा दलिया, तो इसी में दूध था, थोड़ा सा रह गया था, मैंने कहा इसी में बना लेती हूँ दलिया भी, नहीं तो फिर एक और देखचा गंदा हो जाएगा। तो ये टिप है कि और देखचा ना गंदा करें, जिसमें थोड़ा सा दूध रह जाए उसी में बना लें, है ना। ना अभी मामू जी भी आ गए हैं और मैं बनाने लगी हूँ, बना रही हूँ रोटी। ये वाइट वाला आटा है, गंदम वाले आटे की मुझे आदत है गूंदना भी और पकाना भी, तो इसको ये मुझे बड़ा मुश्किल सा लगता है, तो लेकिन बनती इसके पराठे बड़े वाओ बनते हैं, वाओ। ये देखें जी, सर के दर्द के कमाल। मैं अभी आटा रखना था फ्रिज में और ये मैं खुशका रख के आने लगी थी फ्रिज में, फ्रिज खोला रखने लगी तो याद आया नहीं जी ये नहीं रखना, ये खुशका है। शुक्र है दलिया इन दोनों ने फिनिश कर लिया, हालांकि बनाया कल था लेकिन कल इन लोगों ने खाया ही नहीं है, तो बच्चे खा रहे हैं, ऐसा लगता है खुद खा लिए खाना। अभी यहाँ पे बन रहे हैं ये कटलेट, क्योंकि सालन को अभी देर है तो मैंने कहा इन्हीं के साथ खा लेती हूँ, वो बड़ी शदीद उन वाली लगी है, शदीद उन वाली। रोटी भी हो गई है रेडी, ये यहाँ से थोड़ी सी जल गई है, बिल्कुल कोई बात नहीं, होता रहता है ऐसा, ऐसे हादसा होते रहते। तो मैं अंडा नहीं था तो इसलिए मैंने इसको ना बेसन के साथ ही डाल लिया, मैंने कहा जान दे उस बेसन के साथ भी मज़े के लगते हैं कटलेट्स, कभी खाए आप लोगों ने ट्राई किया, ट्राई करना ज़रूर। मेरा चाय पीने का बड़ी देर से सख्त दिल आया हुआ था, तो मैंने कहा मैं चाय बना के पीती हूँ, तो दिल कर रहा था कहीं छुप के बैठ के जो है ना पूरा कप चाय पीऊँ, क्योंकि इब्राहिम साहब को जो है वो चाय बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये अपना पी के फिर मेरा कप भी पी जाता है, अभी मैंने उसको दी हुई है चाय, वो पी रहा जल्दी जल्दी, तो अभी मैं जल्दी से अपनी चाय भी पी लेती हूँ। रात के होने वाले हैं तकरीबन 10 और मैं पांडे पूंडे धो के आ चुकी हूँ दिन में पता नहीं कितनी बार धोए हैं 10-12 बार तो धोए होंगे, उससे ज़्यादा ही धोए होंगे, ख़त्म ही नहीं होते, ख़त्म ही नहीं होते। तो खैर ये तो साथ साथ है, बस तबीयत ख़राब होना फिर ज़रा मुश्किल लगता है, लेकिन चलो कोई नहीं, हिम्मत जनाना मदद खुदा। तो अब मैं चाय पीने लगी हूँ और ये साहब भी आ चुके हैं, इसने अब थोड़ा थोड़ा चलना शुरू कर दिया, तो इस्माइल अब आप चलते हैं ना, चलते हैं ना। अच्छा हाँ, तो अभी क्या खा के आयो? अच्छा तो अभी मैं चाय पीऊँगी और साथ में ये इसको कहते हैं पता नहीं क्या नाम नहीं मुझे याद आ रहा, आज इब्राहिम लेके आया था ये, मैं दिखाती हूँ, ये चीनी से बनता है, नाम मुझे बिल्कुल भूल चुका है, तो ये साथ में थोड़ा सा मैं खाऊंगी, मेरा दिल कर रहा है, चाय इस टाइम पी रही हूँ, पता नहीं अब नींद भी आएगी या नहीं, लेकिन दिल कर रहा है पीने का तो पी लेती हूँ, खैर चलेगा। इसी के साथ आज के व्लॉग का करती हूँ एंड, उम्मीद है आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगेगा, तो सब्सक्राइब माई चैनल और मुझे दुआओं में याद रखिएगा, मैं आपको दुआओं में याद रखूंगी, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।